मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के चुनाव हेतु 2 दिसंबर को मतदान संपन्न कराया जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं अब अंतिम समय में उम्मीदवार भी पूरी ताकत से जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए इंदौर में 11 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं 9 व्यवहार न्यायाधीश को मतदान अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंदौर जिला मुख्यालय में 4,897 मतदाताओं के मतदान के लिए मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। चुनाव मैदान में इंदौर से 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जो वकीलों के बीच पहुंचकर वोटों की गुहार कर रहे हैं। इसी चुनाव मैदान में उतरे वरिष्ठ अभिभाषक जय हार्डिया ने अभिभाषक सौरभ मिश्रा व अपने साथियों के साथ जिला कोर्ट और हाई कोर्ट सहित अन्य कोर्ट में जमकर जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। जय, बताएं जो चुनाव होने जा रहे हैं 2 दिसंबर को, किस तरह का माहौल है और किस तरह के लोग इसमें जो सदस्य हैं जो वोट करेंगे? ये मध्य प्रदेश स्टेट बार का चुनाव है, जिसमें 145 कैंडिडेट पूरे मध्य प्रदेश से कंटेस्ट कर रहे हैं। 17 लोग इंदौर से कर रहे हैं। इंदौर में 5,000 के आसपास वोट हैं। अब जो कैंडिडेट हैं पूर्व के जीते हुए नए, सबका केंद्र बिंदु अब इंदौर हो गया है, क्योंकि पिछली बार के 2 जीते हुए इस बार स्टेट बार के चुनाव में नहीं उतरे हुए हैं। उसका फायदा नए उम्मीदवारों को हो रहा है और निश्चित इंदौर में पिछले 1.5 से 2 महीने में स्टेट बार के चुनाव को लेकर बहुत गहमा गहमी है। इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है सदस्यों को चयनित करने का? नहीं, ये तो ये है कि कार्यशैली देखी जाती है वकीलों के द्वारा कि कौन किस फायदा कर सकता है स्टेट बार में प्रतिनिधि होने के बाद लोकल बार का, उस हिसाब से कैंडिडेट का चयनित होती है। आप भी उम्मीदवार हैं, कौन से नंबर पर खड़े हैं आप? मेरा इस बार, मैं पहली बार स्टेट बार का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा 38 नंबर है, और मैं जो इसने मुझे इंदौर और आसपास की बारों से मिला है, निश्चित मैं ये चुनाव जीत रहा हूँ। आपका नाम? जय हार्डिया। अभिभाषक संघ के कैरम हॉल में मतदान केंद्र तैयार किया गया है, जहां सनद के हिसाब से अलग अलग ग्रुपों में अभिभाषक मतदाता मतदान करेंगे। मतदान करने के लिए अभिभाषकों को नियत प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता परिचय पत्र, जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जारी कार्ड आदि में से कोई एक दिखाना अनिवार्य है। मतदान केंद्र से 200 गज की परिधि में किसी भी चुनाव प्रत्याशी अथवा उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। मतदान का समय प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक रखा गया है।